हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किए थे। लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे रैंक निकालते हैं और नलिटी निकालते हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये जो लेक्चर्स हैं आपके जो टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन लेक्चर्स में मैं कोशिश आपको ये करता हूं कि आपको जो है जो कॉन्सेप्ट है लीनियर अलजेब्रा के उसको हम बहुत ही आसान तरीके से जो आपको समझा पाए। तो इन लेक्चर्स को आप जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भरे हो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी अल्टी ग्रेड, यूपी जीआईसी, चाहे डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, एनबीएस टीजीटी पीजीटी, या किसी भी अन्य स्टेट के टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे संबंधित एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए देना चाहता हूँ कि डी ट्रिपल एस बी के लिए भी ऑलरेडी बैचेस जो चल रहे हैं, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, डी ट्रिपल एस बी टी जी टी और पी जी टी के लिए बैचेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं। और अभी तो आपको ग्रेजुएशन का पोर्शन भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लाइव कोर्स जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 9 to 10:30 नाइट में जो इसके कोर्सेज जो चल रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ ही साथ जो है एन बी एस टी जी टी पी जी टी के लिए, ठीक है, एन बी एस टी जी टी और पी जी टी के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के लिए भी क्लासेस जो है अवेलेबल है। तो अगर आप जो है टीजीटी पीजीटी संबंधित तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप जो ऐप को डाउनलोड करके जो कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज में हम आपको जो है लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उसके रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, फिर चैप्टर वाइज असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, विद सॉल्यूशन, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में जो है आपको सफल होने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपको क्या खास बताने वाला हूँ, हम लोग लीनियर अलजेब्रा का आज कौन सा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो ये है कि इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 देन के इज इक्वल टू व्हाट। और ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि नलिटी क्या होता है, और इस पर बेस्ट एक थ्योरम भी मैंने आपको बताया था कि रैंक नलिटी थ्योरम होता है। आइए मैं एक बार उसको लिखता हूँ। मान लिया कि एक हमारे पास जैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज टी फ्रॉम, मान लिया कि यू टू भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर आप नहीं भी जानते तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इन लेक्चर्स में यही खास बात है, ठीक है। तो अगर मान लिया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से भी में, ठीक है, तो देखिए हम लोग करते क्या है, नलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात कर लो यू है, और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी है, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यू के वो एलिमेंट मान लिया ए बी सी जो भी इसके एलिमेंट है, यहाँ के जीरो एलिमेंट से जो जुड़ेंगे, मान लिया कि तीन एलिमेंट जीरो से जुड़ गए, ठीक है ना, यहाँ के जीरो से जुड़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कर्नल होगा, कर्नल ऑफ टी जो होगा, उसमें यू के वो एलिमेंट आते हैं जो यहाँ के जीरो से क्या हो, कनेक्ट हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ टी बोलते हैं। और इसी की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन है। अब डायमेंशन क्या होता है, अगर आप नहीं जानते तो भी इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन लेक्चर्स में यही खास बात है, मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे आप जानते ही होंगे इन सब चीजों को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको आसान से आसान तरीके से समझाया जा सके आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक थ्योरम भी बताया था कि रैंक ऑफ टी, ठीक है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यू का मतलब कौन सा, जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। हालिया के एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास यू टू भी, तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस लिखा रहेगा उसका डायमेंशन के बराबर आता है, ठीक है ना। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर ये हमारे पास जो दिया गया है वेक्टर स्पेस, यहाँ पे तो मैट्रिसेस है ना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। यहाँ पे जो हमें वेक्टर स्पेस दिया गया, ये मैट्रिक्स से संबंधित है। मैट्रिक्स का मतलब यम 3x3 की ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे 3x3, तो इसका जो डायमेंशन होता है ना, अगर हम यम 3x3 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में देखिए क्या दिया गया है कि मैट्रिक्स है उसका, इसकी नलिटी दी गई है, नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट, इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1, तो नलिटी को अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, और यू का डायमेंशन मतलब ये इसका डायमेंशन अगर हम लोग बात करें, इसका डायमेंशन कितना है, 3 है, ठीक है ना, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है,
तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो ये कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे थ्री, तो यहाँ से हमारा जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, रैंक हमारा आ जाएगा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, ठीक है ना, रैंक टू आ जाएगा, ठीक। अब रैंक टू, अब देखो रैंक क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, रैंक का मतलब ये होता है जैसे मैट्रिक्स है ना, अगर थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, ठीक है ना, अगर इसका डिटरमिनेंट निकाला और अगर इसका डिटरमिनेंट मान लिया कि जीरो नहीं आया, डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, तो हम कहेंगे कि इसका रैंक थ्री है, रैंक इसका कितना थ्री है। और अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका कितना आ गया, जीरो आ गया, डिटरमिनेंट इसका कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका रैंक जो थ्री नहीं होगा, थ्री से कम होगा, थ्री नहीं होगा, थ्री से कम होगा, मतलब क्या हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट आप अगर ए जीरो आ गया तो रैंक या तो वन होगा या तो रैंक टू होगा, तो रैंक टू होने का मतलब यह है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, जीरो है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और मुझे निकालना क्या, पीए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसके डिटरमिनेंट को निकाल के जीरो के बराबर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कर देते हैं इसको, ठीक है ना, के इंटू कितना हो जाएगा ये माइनस फोर प्लस टू, माइनस फोर प्लस टू, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा माइनस वन इंटू, ठीक है, माइनस वन इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास फोर माइनस टू, फिर से कितना हो जाएगा टू, फोर माइनस टू मतलब टू, और यहाँ पे प्लस टू इंटू, टू इंटू कितना मिलने वाला हमको यहाँ से वन प्लस वन कितना मिलेगा टू, और इसको हम कर देते हैं इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस फोर प्लस टू मतलब माइनस टू के, और यहाँ से फोर माइनस टू कितना गया टू मतलब माइनस टू, और यहाँ से प्लस कितना हो गया फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारे पास। तो टू के को मैं राइट में ले लेता हूँ और लेफ्ट में फोर माइनस टू कितना बचेगा, टू बचेगा, तो यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस फोर और यहाँ से कितना आएगा, प्लस टू आएगा यहाँ से ना, यहाँ पे माइनस वन और कितना आ जाएगा फोर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, फोर प्लस टू मतलब सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस सिक्स प्लस फोर का मतलब कितना होगा माइनस टू, तो टू के इज इक्वल टू कितना होगा माइनस टू, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, माइनस वन के साथ डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि इफ w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो इज अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यूब देन डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू वन, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें कि डायमेंशन ऑफ w पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना, तो यहाँ पर w में देखिए कि ऑर्डर ट्रिपलेट टाइप के जो है एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, एक्स वाई जेड आने वाला है, ठीक है, एक्स वाई जेड आने वाला है, बिलोंग्स टू आर क्यूब, बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है। सच दैट क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस वाई और माइनस जेड इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ, जीरो। अब देखिए अगर ये बात ना लिखी होती, अगर ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो ना लिखा होता, इसका मतलब यह है ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, मतलब इसका डायमेंशन कितना ज्यादा, थ्री हो जाता, क्योंकि इसको लिखने के लिए तीन वेरिएबल की जरूरत है आपको, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल की जरूरत है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ना लिखी होती तो इसका डायमेंशन डब्ल्यू का कितना हम लोग बोल देते, थ्री बोल देते। लेकिन देखिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, इससे फायदा क्या होने वाला है, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ किसका, एक्स इज इक्वल टू, देखिए इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जेड माइनस वाई, है ना, एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई। तो जहाँ पे एक्स है मैं वहां पर लिख देता हूँ जेड माइनस वाई, अब कितना हो जाएगा वाई की जगह पर वाई और जेड की जगह पर जेड, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया जहां पर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, ये दिस बिलोंग्स टू आर क्यूब, ठीक है। अब जरा सा देखिए ध्यान से, अब देखिए इस वेक्टर स्पेस को लिखने के लिए, है ना, अभी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इस वेक्टर स्पेस को लिखने के लिए अब देखिए कितने वेरिएबल आगे, सिर्फ वाई और जेड, सिर्फ दो वेरिएबल है। इसका मतलब ये है ना, ये देने से इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। अगर ये ना दिया होता तो इसका डायमेंशन कितना होता, थ्री होता। इसके दे देने से इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिखने के लिए सिर्फ दो वेरिएबल की जरूरत है, मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल थ्री क्रॉस थ्री रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन है थ्री सिक्स थ्री एंड नाइन। ये भी क्वेश्चन यूपीपीजीटी 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए डायमेंशन की बात की गई है, अगर आपको डायमेंशन नहीं भी समझ में आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको आसान शब्दों में यहाँ पे बताऊंगा।
सबसे पहले एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरा बनाकर देखिए आप जो है, ठीक है। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने ए लिखा, तो यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे भी मतलब ए वन टू पोजिशन है, ए टू वन पे भी क्या आएगा, बी आएगा। यहाँ पे मैं सी लिखूंगा तो यहाँ पे भी कितना आएगा, सी, ए वन थ्री और ए थ्री वन सेम आएगा। फिर यहाँ पे ए बी सी इस्तेमाल कर लिया मैंने, यहाँ पर डी लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमें ई लिखा ए थ्री टू पे, ए टू थ्री पे लिखा, तो ए थ्री टू पे भी कितना आएगा, ई आएगा। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू कितना आने वाला है, ए जे आई आने वाला है, ठीक है ना। तो डायगोनल के एलिमेंट तो अलग अलग होंगे, बाकी सभी यहाँ वाला एलिमेंट सेम होगा, ये वाला सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ई लिखा, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हमने, एफ लिखा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट तो अलग अलग आ गए, बाकी यहाँ पे अगर बी लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बी आ जाएगा, यहाँ पे सी लिखेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे ई लिखेंगे तो यहाँ पे ई भी आ जाएगा। अब देखिए इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए कितने आपने डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, देख लीजिए, गिन लीजिए उसको। एक हो गया वन, फिर ये हो गया टू, फिर ये हो गया थ्री, ठीक है। इसको कट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने गिन लिया इसको, ठीक है ना। थ्री हो गए, ये फोर हो गया, फिर ये फाइव, इसको मैं गिन चुका हूँ ऑलरेडी, फाइव हो गए, इसको भी मैं ऑलरेडी गिन चुका हूँ फाइव, और ये कितना सिक्स। कुल मिला के हमको जो सिक्स वेरिएबल्स जो है इसको इस्तेमाल करने पड़े, या सिक्स हमको नंबर्स इस्तेमाल करने पड़े इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए। इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, आसान। वैसे आप डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन हमारा देखिए क्या होता है, जैसे बेसिस बनाना पड़ेगा सर। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि बेसिस में कितने एलिमेंट हैं। अब बेसिस वगैरह जो है डिटेल वाली बात है कि बेसिस क्या होता है ना, एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक कोई सबसेट होगा, वो उसमें हम लोग वो क्या करेगा, उसको स्पैन करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, वो तो थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा की बात हो जाएगी। लेकिन मैंने आसान शब्दों में आपको बताया कि अगर देखिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपको एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3x3 की बनाइए, और आप देखिए कि इसको लिखने में कितने लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग 6 लेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब इसका डायमेंशन कितना हो गया, 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी अच्छे अच्छे चीजों को, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।